तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज मैं पटना के लिए निकल रहा हूं और शाम हो चुकी है, 4 बजे मेरा ट्रेन है। अभी जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़ने जाना है और मुझे छोड़ने अंशु जा रहा है स्टेशन। अंशु चलो चलो जल्दी चलो। अरे वहां क्यों जा रहा हूं, कैसे जा रहा हूं, स्टेशन पहुंच के आपको बताता हूं। बने रही वीडियो में अंत तक। और मैं अभी स्टेशन पहुंच गया और जो साथ में आया था हमको ड्रॉप करने। यात्री की कृपया ध्यान दें, 1234 स्पेशल गाड़ी करी जो बरौनी से चलकर पटना स्टेशन तक जाएगी, एक लोग प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। और मैं स्टेशन तो पहुंच गया और अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, हमारी ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो मैं पटना क्यों जा रहा हूँ, तो आपको बता दूँ, मेरा एक चचेरा भाई गुलशन है, उसका कल बर्थडे है और उसने मुझे इनवाइट किया है, जो आओ यहाँ सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं पटना इसीलिए जा रहा हूँ, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा और कुछ वीडियोज़ बनाऊँगा पटना के ऊपर, पटना को दिखाऊँगा, एक्सप्लोर करूँगा। उसमें आप लोगों का प्यार चाहिए तो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो हम लोगों का ट्रेन अभी आ ही रही है, तो फिर ट्रेन में चल के मिलते हैं आपसे। तो मैं जो बहुत दिनों बाद पटना जा रहा हूँ, मेरा अपना दिन याद आ गया, जब मैं पढ़ता था, मैं भी पटना में रह के पढ़ता था, मैं हर महीने लगभग आ ही जाता था और ऐसे ही जाया करता था। और ये मेरा बैग जो है उसी कोचिंग का बैग है, स्टडी बैग, तो पूरा वही फील हो रहा है, 2 साल पहले का दिन याद आ रहा है मुझे। ऑलराइट दोस्तों, तो हमारी गाड़ी आ रही है। Зима дошла, больше нет снега. Я тебя ждал, о, весна, птицы. तो दोस्तों फाइनली मैं पटना पहुंच चुका हूं, पटना जंक्शन पे ही खड़ा हूं। ये देखिए यहां का नजारा, अपना पटना। और ये रहा पीछे महावीर मंदिर, तो मैं सबसे पहले प्रणाम करना चाहूँगा महावीर जी को, हमेशा हम पे आशीर्वाद बनाए रखिए और ऐसे ही हम ग्रो करते रहे। देख लिया पटना जंक्शन। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ बाजार समिति, जहाँ पे मेरा भाई रहता है, तो आगे वहाँ सामने से बस मिल जाएगी और बस पकड़ के मैं जाऊंगा वहाँ पे। वहाँ वो लोग पहुँच गया है ड्रॉप करने के लिए, मुझे मतलब पिकअप करने के लिए, सॉरी। तो फिर चलते हैं,
बहुत दिनों बाद पटना आया। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं और ये रहा मेरा भाई, ये लेने आया है। हाय गाइस, और हमारे लिए पराठा तैयार है जो कि यहाँ इस ठेले से बना है, और मैं भी मतलब हम लोग खा के और निकलेंगे रूम पे। तो ऑलराइट दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं रूम पे और ये रहा, यही इसका बर्थडे है आज 12 बजे के बाद इसका धांसू स्टाइल में विश करेंगे। और ये मनीष है, हाय करो। हाय गाइस, रूम पार्टनर है, मेरा भाई की तरह ही दोनों है, दोनों गांव का ही है, आस पास का ही। तो अभी ये लोग खाना बनाएगा, क्या बनाता है देखते हैं, फिर खाते हैं और 12 जब बज जाएंगे फिर इसको विश करके और सो जाएंगे। तो ये देखिए ये लोग क्या खाना बनाया है, भुंजिया और रोटी। इन लोगों को जैसा बनाना आता है वैसा ही बनाया है। तो हम लोग अभी खाना शुरू करते हैं, और घर का खाना मिस करते हो ना? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, सीख जाओगे धीरे धीरे। चलो फिर खाते हैं। और गाइस, कुछ ही देर में 12 बजने वाले हैं, तो बर्थडे स्पेशल कुछ होगा। अभी 11:30 बज रहे हैं, आधे घंटे में हम लोग खाना को निपटा देंगे पूरा। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी 12 बजने में कुछ ही सेकेंड का फासला है और बजने ही वाला है, और ये 12 बज गया। तो हम लोग अभी इसको देखिए, समझते हैं, अभी कुछ धमाका नहीं करेंगे हम लोग, कल धमाका करेंगे, मतलब रात बीत जाएगी सुबह होगी तब। तो जल्दी जल्दी से सब लोग स्टोरी लगा लो, स्टेटस वगैरह लगा लो, और तो गाइस मिलते हैं कल। तो कल का ब्लॉग और भी इंटरेस्टिंग होगा, इसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और पटना में कोई एक जगह जाएंगे घूमने, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और कल का ब्लॉग आप लोग मिस मत करिएगा। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया, तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।